और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपका भाई फिर आप लोग के लिए एक नया विजन, नई कंट्री के साथ लेके आया है। ये भी इसी के बारे में जानने के लिए लास्ट तक आप लोग वीडियो देखें, आप लोग को पूरा फुल डिटेल पता चल जाएगा इसमें क्या क्या डिमांड है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर दुबई पावर LLC कंपनी, ये पावर LLC कंपनी की डिमांड है दुबई की, ठीक है। सब इसमें ट्रेड वाले बंदे हैं, एक हेल्पर की भी डिमांड है इसके अंदर। इसके अंदर पहली पोजिशन है मेसन, मेसन चाहिए। 1150 से 1200 सैलरी है प्लस OT है, ठीक है। शटरिंग कारपेंटर सेम सैलरी है, 1150 प्लस 1200, मतलब कि जैसे अगर अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा तो 1200 भी मिल सकते हैं, से मान के चलिए 1150 सैलरी है इसकी, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन की भी जो है सेम सैलरी, 1150 प्लस 1200 दे रहा है, मतलब कि एक्सपीरियंस पे देगा 1200 सैलरी, 1200 भी लगा सकता है। प्लम्बर है सेम सैलरी, और हेल्पर है इसमें 1050 प्लस OT। ड्यूटी इसकी जो है 10 घंटा ड्यूटी है प्लस OT है, 10 घंटे ड्यूटी, मान के चलिए कि 1-2 घंटा आप लोग को OT मिल जाएगा, दुबई में OT मिलती है अच्छी, ठीक है। ECR ECNR बोथ कैन अप्लाई, दोनों पासपोर्ट इसके अंदर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दुबई का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, कोई इंटरव्यू नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट जो है मेरे को ये वीज़ा मिला है दुबई से, ठीक है। तो इसमें जो है डायरेक्ट ही सिलेक्शन हो जाएगा, बंदा वहाँ पे वही वीज़ा निकाला है, वही दे रहा है वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, कोई इंटरव्यू नहीं, बस आप लोग अपना PDF फाइल में डॉक्यूमेंट भेजेंगे, सिलेक्शन करवा दूंगा मैं, ठीक है। अगर इसमें कोई बंदा अगर जाना चाहता है तो अपना CV भेजे, उसका मैं इसमें सिलेक्शन कराता हूँ। मान के चलिए कि कम बोल तो रहा है 15 दिन के अंदर वीज़ा मिल जाएगा, अगर वहाँ से डायरेक्ट निकालेगा तो मिल भी सकता है, मगर मान के चलिए 20 से 25 दिन आप लोग का लगेगा, वीज़ा जैसे आएगा टिकट हो जाएगी, क्योंकि कोई इमिग्रेशन का झंझट रहता नहीं दुबई में। और ECR पासपोर्ट रहेगा उसका इमिग्रेशन होगा, बाकी CNR वाले का जो है डायरेक्ट जो है उसको फ्लाइट हो जाएगी, वीज़ा मिलेगा, वीज़ा मिलते ही साथ जो है 10 दिन के अंदर में उसको फ्लाइट मिल जाएगी, ठीक है। यही काम है, अगर कोई बंदा अगर जाना चाहता है तो जा सकता है। और भी मलेशिया का काम ऑलरेडी मेरे पर चल रहा है, रेस्टोरेंट हेल्पर का, हर वीडियो में उसको बोल देता हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन वो डिमांड नहीं चलेगी, अब ये 1 महीना चलेगी, उसके बाद जो है फिलफुल हो जाएगी रिक्वायरमेंट, तो उसके बाद फिर डिमांड बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी डिमांड है 10-12 बंदे की और डिमांड मिली है, तो अभी चल रही 1400 सैलरी, 12 घंटा ड्यूटी, 25-26 हज़ार तो इंडिया का बचेगा, 85,000 चार्ज है, मेडिकल का अलग लगेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन है, वीज़ा मिल जाएगा आप लोग को 10 से 15 दिन के अंदर, उसके बाद जो है टिकट हो जाएगी। अगर कोई बंदा जाना चाहता है मलेशिया तो कॉन्टेक्ट कर सकता है। ओके बाय।